बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हैशटैग मी टू कैंपेन के तहत बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। तनुश्री के इस खुलासे से हर कोई हैरान है। दरअसल तनुश्री का कहना है कि साल 2008 में फिल्म होनो के प्लीज के गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उनको छूने की कोशिश की, साथ ही उनके करीब आने की भी कोशिश की थी। वहीं अब इस पर बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर का बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना पाटेकर का कहना है कि सच आज भी नहीं बदला है। इस मसले पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाई। खबरों की माने तो नाना का कहना है कि उनके वकील ने किसी से भी बात करने से मना कर दिया है और उनकी बात उन्हें सुननी होगी। वो वही बात कहेंगे जो 10 साल पहले कही गई थी और सच आज भी नहीं बदला है। बहरहाल अब आगे इस मामले में कौन सा नया मोड़ आता है, इसका पता वक्त आने पर ही चल पाएगा। टेलीविजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।